नमस्कार दोस्तों, जो भले बाबा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड आपको और डाउनलोड कैसे करना है, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, और पूरा आप यूट्यूब चैनल पे मेरे विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आप कैसे ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ दे दूंगा, या अगर वीडियो के या यूट्यूब में कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ भी आपको प्रोसेस बता दूंगा, कैसे आपको उसका लिंक दे दूंगा आपको। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार के जो सभी का पोर्टल लॉन्च किया गया है, सरकार के जमा किया जा रहा है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। श्रमिक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको करना है, तो कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसमें लिंक दे दूंगा, फिर यूट्यूब कमेंट में आपको, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए तो वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे डाउनलोड हो रहा है, किसी पर त्रुटि आ रही तो नीचे जैसे डाउनलोड करना है, अगर किसी प्रकार कोई गलती हो तो उसमें कैसे सुधार करना है उसका भी आपको बताऊंगा प्रोसेस। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, दोनों प्रोसेस में आपको पूरा आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। अगर इसे डाउनलोड किए हैं तो इसे किसी भी गलती हो गई हो तो नीचे जानकारी को डाउनलोड करें या सुधार करने नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार जो मजदूर एक पोर्टल लॉन्च किया है और डॉक्टर सरकार के पास भेजा जाएगा, सभी मजदूर वर्ग इस श्रम कार्ड दान प्रदान किया जाएगा। नीचे दिए गए मजदूर जल्दी आवेदन करना होगा, कार्ड मजदूर बहुत लाभ मिलता है। देखिए, पंजीकृत असंगठित 1 वर्ष के प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है, आकस्मिक जो बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसका लाभ आपको प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक जो रूप से जो विकलांग होंगे उनके लिए 1 लाख रुपये प्रधानमंत्री के तरफ से आपको मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ ई श्रम पोर्टल के माध्यम से वितरित किया जाएंगे। कैसे आप डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार लिंक, जो फ़ोन नंबर आधार कार्ड की जरूरत होती है उसको भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करके OTP प्राप्त कीजिए, आधार नंबर से आपका नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर लिंक है, उसी के आप OTP जाएगा। OTP आदमा फॉर्म भरना होगा और उसके बाद आपको ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन करना होगा। फॉर्म की पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। और करेक्शन कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे एक बनवाया किसी वजह से ई श्रम कार्ड अलग अलग प्रकार की त्रुटि और फोटो नाम फिर से कुछ त्रुटि से सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक यहाँ सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको ऑफिशियल आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको मैंने बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप करेक्शन कर सकते हैं। और जो भी अगर वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करता हूँ करूँगा। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आपको बहुत ऐसा होता है कि उसका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, चूँकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या आधार नंबर है, आधार लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ देखिए। जैसे ही आप आधार नंबर जो मोबाइल नंबर है लिंक है उसको डालेंगे, आप कैप्चा डालेंगे और प्रोवाइड फंड EPFO अगर नो 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 करेंगे, सेंड OTP करेंगे, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको एक OTP जाएगा। OTP आप डालेंगे जैसे ही आपको एक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।